महादेव बैटिंग ऐप केस में एक बार फिर से आया नया मोड़। ईडी की नई चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम का जिक्र किया गया। चार्जशीट में 5 आरोपियों का नाम भी शामिल है। नई चार्जशीट के जरिए ईडी का दावा अपने पुराने बयान पर कायम है। कुरियर असीम दास 3 नवंबर को जो बयान दिया था वो सही था। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। राज्यों को 5 क्लस्टर में बांटा गया। प्रत्याशियों के चयन के लिए क्लस्टर वार कमेटी भी घोषित की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ आज जेपी नड्डा की अहम बैठक है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। जयपुर के दौरे पर पीएम मोदी, पार्टी कार्यालय में कल नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अस्पताल जाकर घायल ईडी अफसरों से मिले बंगाल के राज्यपाल। नॉर्थ 24 परगना में छापेमारी के दौरान ईडी टीम पर हुआ था हमला। राशन घोटाले के आरोपी के घर पर पहुंची थी ईडी की टीम। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। ईडी टीम पर हुए हमले की एनआईए जांच की मांग की गई। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला गया। अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया नाम। कांग्रेस नेताओं ने कहा बीजेपी को हमारे नेताओं के नाम से दिक्कत है। अलका लांबा को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाई गई अलका लांबा। वरुण चौधरी बने एनएसयूआई के अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। संजय सिंह और एनडी गुप्ता को फिर बनाया गया उम्मीदवार। स्वाति मालीवाल भी प्रत्याशी बनी। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ पर मुंबई और पुणे में एफआईआर दर्ज। मुंबई के एमआईडीसी और पुणे के विश्राम बाग थाने में एफआईआर दर्ज। भगवान राम पर की थी विवादित टिप्पणी। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट देने की मांग पर वाराणसी जिला कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। मस्जिद पक्ष ने रिपोर्ट देने पर जताई है आपत्ति। राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा के पास गृह और कार्मिक विभाग, दिया कुमारी को वित्त, पर्यटन, महिला बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई। सूर्य मिशन पर इसरो इतिहास रचने के करीब है। सूर्य के L1 पॉइंट में आज प्रवेश करेगा आदित्य। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है L1 पॉइंट। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP 7.3% रहने का अनुमान है। NSO ने आंकड़ों को जारी किया। बढ़ोतरी की वजह खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस को बताया जा रहा है। सोमालिया के तट पर भारतीय नौसेना का पराक्रम। अगवा जहाज MV लीला से 15 भारतीयों समेत 21 को बचाया गया। INS चेन्नई की निगरानी में मर्कोस कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। समुद्री लुटेरे शिप को छोड़कर भागे। बांग्लादेश में चुनाव से पहले भड़के हिंसा। ढाका में बेनापोल एक्सप्रेस ट्रेन में आगजनी हुई, 5 लोगों की मौत। यात्री ट्रेन में आगजनी की घटना से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी और दजान नाकोए पर 50 ड्रोन से मिसाइल हमला किया। कई इलाकों में सुनाई दी धमाके की आवाज। क्रीमिया के सेवास्टोपोल में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ। रूस का दावा, एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 50 से 36 ड्रोन को मार गिराया। रूस ने खार्किव में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन का MLRS तबाह हो गया। समुद्र, हवा और जमीन से गाजा पर इसराइल के भीषण हमले। IDF ने दावा किया है हमले में हमास के कमांड सेंटर, हथियार डिपो और रॉकेट लॉन्च साइट को तबाह किया गया। गाजा में घरों के अंदर से इजरायली सेना पर हमले कर रहे हमास के लड़ाके। हमास का दावा, इजरायली सैनिकों के कब्जे वाली इमारत को तबाह किया। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी में एक और हमास का कमांडर मारा गया। इजरायल के खिलाफ कई हमलों में यह शामिल था।